इस लेक्चर में हम देखेंगे आप अपने फोल्डर को कैसे पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो, यानी अपने किसी भी फोल्डर या किसी भी ड्राइव को कैसे पासवर्ड लगा सकते हो। उसके लिए हमें इंस्टॉल करना है फोल्डर प्रोटेक्ट, डबल क्लिक करके ओपन किया। सबसे पहले इसका क्रैक इंस्टॉल करना है lsense.exe, ओके, और उसके बाद फोल्डर प्रोटेक्ट, ठीक है, ओके, नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल। अब इसको फिनिश कर दें, ओके, बंद, और यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। तो यहाँ पे अपने पासवर्ड रखना है, जो भी रखना है हमने सबसे पहले, तो ओके दोबारा वही पासवर्ड, और इसको ओके कर देना। अब यहाँ पे ऐड में जाना है, ऐड जाके करना है यहाँ पे, इसको ओपन किया, सॉफ्टवेयर को ओपन किया, जैसे हमने इसको लगाना है सॉफ्टवेयर को लॉक, तो इसको हमने यहाँ पे कर दिया ऐड, और इसको प्रोटेक्ट कर दिया, यहाँ से क्लोज। अब ये हम देखते हैं लॉक लग गया कि नहीं, और डबल क्लिक किया ओपन के देखें, क्राई यू डू नॉट करंटली परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर कंटिन्यू, नहीं, इसको लॉक सक्सेसफुली लग गया। अभी इसको हम रिमूव करते हैं, लॉक को कैसे रिमूव करना है, यहाँ पे आए, ओपन करने के लिए वही पासवर्ड देना है, और ओके पे क्लिक किया, और इसको अनप्रोटेक्ट कर देना, और इसको अभी देखते हैं। अब देखें सॉफ्टवेयर वाले और जो फोल्डर है वो ओपन हो गया। तो आप किसी भी फोल्डर या किसी भी ड्राइव को प्रोटेक्ट कर सकते हो, और उसको लॉक लगा सकते हो, पासवर्ड लगा लॉक जो है उसको लगा सकते हो सॉफ्टवेयर की मदद से।